हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शिखा बख्शी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, खुशहाल होंगे और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे होंगे। तो ये वीडियो एक क्विक अपडेट है, वो ये है कि अब से मेरे चैनल पर बिल्कुल न्यू वीडियो आया करेंगी, लेटेस्ट वीडियो आया करेंगी। जो भी मैं मॉल से या मार्केट से शूट करके लाऊंगी वही लेटेस्ट वीडियो अब मैं अपने चैनल पर अपलोड करूंगी। तो इससे पहले मैं पहले वाली वीडियो अपलोड कर रही थी, उसका कारण आप सब लोग जानते हैं कि बाहर लॉकडाउन था और बाहर जाना पॉसिबल नहीं था। अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो निकलना ज़रूरी नहीं था। तो बस मैं भी यही घर बैठी थी कि मेरी पुरानी वीडियो से काम चल सकता है, तो बाहर जाकर रिस्क में जाना ठीक नहीं है। और बाहर कुछ था भी नहीं, बस वही एसेंशियल चीज़ें जो होती हैं वही मिल रही थी, इसके अलावा वहाँ कुछ भी नहीं था। तो मैं अपनी पहले वाली वीडियो अपलोड कर रही थी, उसमें आप लोगों ने मेरा साथ दिया, मैं इसके लिए आपका दिल से धन्यवाद करती हूँ, थैंक्स करती हूँ। मुझे कोई भी ऐसा नेगेटिव कॉमेंट नहीं आया, मतलब जो भी बहुत हार्श तरीके से पूछा गया हो, बहुत रूड तरीके से पूछा गया हो कि मतलब आप पुरानी वीडियो क्यों अपलोड कर रहे हो। बल्कि हाँ, ये ज़रूर था क्योंकि आप मुझे रेगुलर वॉच करते हो मेरे चैनल को, तो वो आपको पता ही है कि ये पहले वाली वीडियो है। तो बस ये था कि आप ये पूछते थे कि ये क्या दीदी पहले की वीडियो है, तो मैं उसका आंसर आपके ही जहाँ पे आपने कमेंट किया होता था वहीं पर मैं लिख देती थी कि हाँ ये पहले की वीडियो है। लेकिन अब से थोड़े दिनों पहले मुझे एक कॉमेंट आया कि मैं आपको रेगुलर वॉच करती हूँ और आपकी वीडियो से ही मुझे पता चलता है कि मार्केट में क्या नया है, क्या नया आया है मॉल्स में, मैं आपकी वीडियो को देखकर ही मुझे आइडिया रहता है। तो मुझे लगा कि ये सही नहीं है, मैं एक वीडियो इस बारे में ज़रूर बनाऊं। और अब बाहर लॉकडाउन खुल भी गया है, आप जा सकते हो पूरी प्रोटेक्शन के साथ, और वैक्सीनेशन लगवानी ज़रूरी है तो आप सब भी लगवा लीजिए। अगर आप नहीं लगवाई है तो मैंने भी नहीं लगवाई है अभी तक, मुझे लगवानी है लेकिन नहीं मिली है मुझे अभी तक, लगवानी है और ज़रूर लगवाऊंगी मैं। आप लोग भी लगवाइएगा, सेफ्टी रखिएगा अपनी बाहर जाने से पहले। तो बस यही बोलना चाहूँगी कि जैसे अभी तक आप सबने मुझे सपोर्ट किया है, आगे भी मुझे ऐसे ही सपोर्ट करते रहिएगा। अब से मैं अच्छी अच्छी वीडियोस लाने की कोशिश करूँगी, नई नई चीज़ें। अभी मुझे नया भी बहुत कुछ ढूंढना है कि मैं नया जाके कुछ मार्केट में एक्सप्लोर करूँ, लेकिन सब कुछ जो रुका हुआ है ना, अभी सब कुछ थम गया है। अभी आपको बहुत ज़रूरी है तो आप भीड़ भड़ोके में घुसो, वरना मत घुसो। तो मैं भी बाहर जाती हूँ और पूरी प्रोटेक्शन के साथ जाती हूँ और अपना बस टाइम तय करके जाती हूँ कि इतने टाइम में मुझे घर आ जाना है। तो बहुत ज़्यादा मैं बाहर नहीं रहती हूँ और भीड़ भड़के से मैं बच के रहती हूँ। तो ये तो हो गया मेरे चैनल का क्योंकि अपडेट। लेकिन अब मैं आपसे किसी के लिए सपोर्ट चाहती हूँ। किसी के लिए क्या यार, मैं उनका चैनल अब से मैंने वॉच करना शुरू किया है तो वो बिल्कुल अपनी जैसी लगती हैं, अपने से कनेक्ट लगती हैं कि हाँ, जैसे हम औरतें हैं वो उनका भी वैसा ही घर बार है। बहुत अच्छे कंटेंट के साथ वो अपनी वीडियो बनाती हैं, मेहनत करती हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि मैं किसकी बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ इंडियन यूट्यूबर शिप्रा शर्मा जी की। वो बहुत ही अच्छी और हम्बल लेडी हैं। अभी उनकी लाइफ में बहुत उथल पुथल है, लेकिन अगर आप देखोगे ना उनका एक भी व्लॉग उठाकर, अभी कोई ऐसा ही जो उन्होंने अभी नया डाला है ना उनके चैनल पर, आप जाके देखो तो उसमें भी वो लगेंगे कि एकदम पॉजिटिव हैं, नेगेटिविटी कुछ नहीं है उनके अंदर। मतलब उनकी लाइफ में अभी इतना कुछ चल रहा है, उनके चेहरे पर दिख तक नहीं रहा है। मतलब मैंने अपनी लाइफ में ऐसा त्याग पहली बार देखा है। उनके हस्बैंड की जो है किडनी में प्रॉब्लम है, तो किडनी का ट्रांसप्लांट होना है। वो अपनी ये किडनी अपने हस्बैंड को दे रही हैं और वो भी संडे को उनका ऑपरेट होना है, वो अपनी किडनी अपने हस्बैंड को देंगी। तो भगवान करे सबको ठीक ठाक हो, लेकिन मेहनत से वो हार नहीं मानती हैं। बस मुझे उनके चैनल में यही बात बहुत अच्छी लगी कि वो उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनके चेहरे पर मतलब दिखाई नहीं कि कोई दुख है। वो जब भी अपना व्लॉग स्टार्ट करती हैं बहुत प्यार से, बहुत अच्छी तरीके से खुश होकर स्टार्ट करती हैं, कभी दुखी नहीं कि व्यूज़ के लिए कितने व्यूज़ मिल जाएं उनको। अगर वो ऐसे सब कुछ रोज का ड्रामा जो आजकल यूट्यूब पर देखने को आम मिल जाता है, मैं नाम नहीं लूँगी, वो भी करने लग जाएँ तो उन्हें बहुत ही अच्छा और डिसेंट व्लॉग बनाती हैं वो। तो ये चैनल मुझे तब पता चला था, आप में से ही किसी सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट किया था कि आप एक बारी उनका चैनल देखिए। तो मैंने अपनी कम्युनिटी पोस्ट पर उनका चैनल डाला था, मुझे अच्छा लगा था और तब से मैं उनको फॉलो भी कर रही हूँ, मैंने उनके चैनल को सब्सक्राइब भी किया हुआ है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप उनको सपोर्ट कीजिए। वो हमसे कोई पैसों की डिमांड नहीं कर रही हैं, वो अपनी मेहनत मतलब अब चाहती हैं कि वो अपने हस्बैंड के लिए कुछ करें, तो घर में दोनों का कुछ मिलकर कुछ बने, आगे बढ़े वो भी,
अब वो जैसे इतना बड़ा सपोर्ट कर रही हैं और साथ साथ ये भी सपोर्ट कर रही हैं, तो प्लीज़ आप लोग भी उनके चैनल पर जाइए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और साथ ही साथ सब्सक्राइब करके मत रह जाइए, उनके चैनल को देखिए। चैनल अच्छा है उनका काफ़ी। अभी हो सकता है कि थोड़े टाइम तक वो वीडियो अपलोड ना करें क्योंकि इसी संडे ऑपरेट होना है, तो आप मगर सब्सक्राइब करिए और जब भी वो वीडियो अपलोड करेंगी तो उनको वॉच करिए। अच्छी हैं, बहुत ही अच्छी लेडी हैं वो। प्लीज़ मैं दिल से उनके साथ उनके व्लॉग देख के जुड़ चुकी हूँ। मतलब ये नहीं होता कि रिश्ते सिर्फ खून के होते हैं तब आपको अच्छे लगते हैं, ऐसा नहीं है। रिश्ते वो भी होते हैं जो हमें ज़िंदगी में ना जी के मिलते हैं, हमारे आसपास के लोगों से भी रिश्ते बनते हैं, रिश्ते सिर्फ खून के ही नहीं होते हैं। प्लीज़ आप उनको सपोर्ट करिए, मैं यही बोलूँगी। और अब मेरे चैनल पर भी आपको नई वीडियो देखने को मिलेंगी, सारी लेटेस्ट वीडियो ही होंगी। अब मैं करती हूँ वीडियो का एंड, और वीडियो एंड करने से पहले यही बोलूँगी कि आप अपना रखिए बहुत सारा ध्यान, खुश रहिए, मस्त रहिए।